आरा में बर्निंग ट्रेन बनी होली स्पेशल ट्रेन, धू-धू कर जली एसी बोगी। दानापुर पीडीडीयू रेल खंड पर मौजूद आरा जंक्शन से कुछ दूर आगे कारीसात स्टेशन के समीप अचानक 01410 दानापुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल होली स्पेशल ट्रेन में आग लग गई और देखते ही देखते एसी बोगी आग की चपेट में आ गई। हालांकि किसी यात्री की जान जाने या जलने की सूचना नहीं है। मौके पर रेलवे के अधिकारी और पुलिसकर्मी पहुंच आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक एक एसी बोगी और एक अन्य बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। आरा स्टेशन के स्टेशन मास्टर एन के राय ने फ़ोन पर बातचीत कर बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत अधिकारियों की टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पाई। ग्रामीणों का सहयोग भरपूर रहा, जिससे कम समय और संसाधन की कमी में भी आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण स्टेशन मास्टर ने कहा कि जांच की जा रही है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। होली में ट्रेन में यात्रियों की संख्या कम थी, जिसके वजह से किसी यात्री की जान नहीं गई या कोई जला नहीं है। बताया जाता है कि होली स्पेशल ट्रेन दानापुर से खुलकर मुंबई लोकमान टर्मिनल तक जा रही थी। आरा स्टेशन पर स्टॉपेज था और जैसे ही आरा से ट्रेन खुली वैसे ही आग लग गई। कारीसात स्टेशन पहुंचने तक तीन बोगी पूरी तरीके से आग के चपेट में आ गई। कारीसात स्टेशन के अधिकारी ट्रेन चला रहे गार्ड को सूचना दिए, जिसके बाद ट्रेन को रोका गया और जल रही बोगियों को अलग कर ट्रेन को रवाना कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिस बोगी में आग लगी उसमें किसी यात्री का रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन लोकल कुछ यात्री सफ़र कर रहे थे जो आग लगते ही ट्रेन से कूदकर जान बचाकर भाग गए। वहीं दानापुर रेल मंडल के डीआरएम जयंत चौधरी ने इस घटना के संबंध में बातचीत करते हुए बताया कि ट्रेन के जिस कोच में आग लगी उसमें यात्री नहीं थे, इसमें किसी का रिजर्वेशन नहीं था। घटना के बाद अप और डाउन दोनों लाइन पर परिचालन शुरू हो गया। करीब 5 घंटे तक परिचालन बाधित हुआ। फिलहाल ट्रेन में आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। आरा में बर्निंग ट्रेन बनी होली स्पेशल ट्रेन, धू-धू कर जली एसी बोगी। दानापुर पीडीडीयू रेल खंड पर मौजूद आरा जंक्शन से कुछ दूर आगे कारीसात स्टेशन के समीप अचानक 01410 दानापुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल होली स्पेशल ट्रेन में आग लग गई और देखते ही देखते एसी बोगी आग की चपेट में आ गई। हालांकि किसी यात्री की जान जाने या जलने की सूचना नहीं है। मौके पर रेलवे के अधिकारी और पुलिसकर्मी पहुंच आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक एक एसी बोगी और एक अन्य बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। आरा स्टेशन के स्टेशन मास्टर एन के राय ने फ़ोन पर बातचीत कर बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत अधिकारियों की टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पाई। ग्रामीणों का सहयोग भरपूर रहा, जिससे कम समय और संसाधन की कमी में भी आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण स्टेशन मास्टर ने कहा कि जांच की जा रही है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। होली में ट्रेन में यात्रियों की संख्या कम थी, जिसके वजह से किसी यात्री की जान नहीं गई या कोई जला नहीं है। बताया जाता है कि होली स्पेशल ट्रेन दानापुर से खुलकर मुंबई लोकमान्य टर्मिनल तक जा रही थी। आरा स्टेशन पर स्टॉपेज था और जैसे ही आरा से ट्रेन खुली वैसे ही आग लग गई। कारीसात स्टेशन पहुंचने तक तीन बोगी पूरी तरीके से आग के चपेट में आ गई। कारीसात स्टेशन के अधिकारी ट्रेन चला रहे गार्ड को सूचना दिए, जिसके बाद ट्रेन को रोका गया और जल रही बोगियों को अलग कर ट्रेन को रवाना कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिस बोगी में आग लगी उसमें किसी यात्री का रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन लोकल कुछ यात्री सफ़र कर रहे थे जो आग लगते ही ट्रेन से कूदकर जान बचाकर भाग गए। वहीं दानापुर रेल मंडल के डीआरएम जयंत चौधरी ने इस घटना के संबंध में बातचीत करते हुए बताया कि ट्रेन के जिस कोच में आग लगी उसमें यात्री नहीं थे, इसमें किसी का रिजर्वेशन नहीं था। घटना के बाद अप और डाउन दोनों लाइन पर परिचालन शुरू हो गया। करीब 5 घंटे तक परिचालन बाधित हुआ। फिलहाल ट्रेन में आग कैसे लगी इसकी जाँच की जा रही है।